वो मानसिंह महल है, मानसिंह महल की दीवार है। मानसिंह ने पूरा हिंदुस्तान जीत के अकबर को दिया है, मुगलों को दिया है, और उसके बाद दिल्ली का बादशाह बना। मुगल अपनी ताकत से बादशाह नहीं बने। मानसिंह के लिए कहावत है कि जननी जने तो एहड़ो जने, जेहड़ो मान मर्द, समुद्र खांडो पखालियो तो काबुल पाड़ी हद। इतना ताकतवर मानसिंह था जिसके डर से अकबर भी भयभीत था। उन्हीं मानसिंह के 12 रानियां थी। जब मानसिंह राजा ही नहीं था, वो धर्म रक्षक था, धर्म परायण था। तो यहाँ बैठ के रानियां आमेर के महल में होने वाले राज दरबार को देखते थे। देखिए, आमेर महल के उस पार्ट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे जिसको सुहाग मंदिर बोलते हैं। देखिए, मंदिर नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है ये, लेकिन इस जगह का नाम सुहाग मंदिर क्यों होगी। सुहागन रानियां यहाँ बैठ के, यहाँ पे मानसिंह की रानियां, ये मानसिंह ने बनाया था आमेर महल, उनके 12 रानियां थी। मानसिंह अकबर के चीफ कमांडर थे। अकबर को दिल्ली के बादशाह बनाने में जो मेन रोल था, जो सारे युद्ध किए हैं वो अकबर ने नहीं किए, मुगलों ने नहीं किए, सारे युद्ध राजा मानसिंह ने लड़े थे। अपनी ताकत के बलबूते पे उनको, मुगलों को दिल्ली का बादशाह बनाया था, क्योंकि अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ एक ग्रुप बनाया था। मानसिंह को अपनी तरफ मिला के सैनिक अपना एक भी नहीं रखा अकबर ने। सेना सारी मानसिंह की होती थी, राजपूत सैनिक होते थे, हथियार मुगल देते थे, और जीतने के बाद लैंड मुगलों की, लूट का माल इनका होता था। यानी मानसिंह ने पूरा हिंदुस्तान जीत के अकबर को दिया है, मुगलों को दिया है, और उसके बाद दिल्ली का बादशाह बना। मुगल अपनी ताकत से बादशाह नहीं बने थे, और मानसिंह इतने ताकतवर थे, कहते कि मानसिंह का खौफ अफगानिस्तान तक था। मानसिंह के लिए कहावत है कि जननी जने तो एहड़ो जने, जेहड़ो मान मर्द, समुद्र खांडो पखालियो तो काबुल पाड़ी हद। यानी अगर जननी पैदा करे, जननी जने तो एहड़ो जने, अगर जननी पैदा करे पुत्र, तो ऐसा पुत्र पैदा करे जैसे मर्द मानसिंह था। जननी जने तो एहड़ो जने, जेहड़ो मान मर्द, समुद्र खांडो पखालियो काबुल पाड़ी हद। यानी काबुल जो अफगानिस्तान के अंदर, वहां से लेके समुद्र का एंड, जो हिंदुस्तान का एंड है, तमिलनाडु श्वेत रामेश्वर, वहां तक एक छत्र शासन किया था, एक छत्र युद्ध से पूरे हिंदुस्तान को जीता था। यानी अफगानिस्तान के काबुल और कंधार से युद्ध करता हुआ निकल रहा था, अपना खांडा, अपना जो तलवार है, वो समुद्र में जाके, तमिलनाडु जाके दो, पूरा हिंदुस्तान में एक छत्र रूल था उनका, एक छत्र राज किया उन्होंने, एक छत्र पूरा हिंदुस्तान जीता है। इतना ताकतवर मानसिंह था जिसके डर से अकबर भी भयभीत था। उन्हीं मानसिंह के 12 रानियां थी। जब मानसिंह राजा ही नहीं था, वो धर्म रक्षक था, धर्म परायण था। उस समय पर्दा सिस्टम होता था, जब राजा अपनी न्याय प्रक्रिया करते थे, जब राजा दरबार लगाते थे वहां पे, तो रानियों के पर्दा होता था। तो यहाँ बैठ के रानियां आमेर के महल में होने वाले राज दरबार को देखते थे, क्योंकि पर्दा होता था। ये यहाँ पे जो रिंग लगे ना, यहाँ पे देखिए ऊपर रिंग लगे हैं, यहाँ पे पर्दे लगे होते थे, अंदर डार्क होता था, तो अंदर से इजीली वो राजा का जो दरबार लगता है उसको देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग रानी को नहीं देख सकते थे। और देखिए यहाँ पे इसके अंदर काफी सुंदर पेंटिंग दी थी पहले, और सुहाग मंदिर इसलिए बोलते हैं कि मंदिर जहाँ पे शब्द आता है, जैसे आराम मंदिर है, जहाँ पे गार्डन को आराम मंदिर बोलते हैं, ये सुहाग मंदिर है। मंदिर शब्द इसलिए लगाते थे, ये दोनों रिलीजन के लिए, हिंदू और इस्लामिक दोनों के लिए अटैक से वो जगह बच जाती थी, क्योंकि जहाँ पे मंदिर शब्द लगता है वहाँ पे हिंदू राजा उसको पवित्र मानते थे, यानी उस पर कभी हमला नहीं करते थे। अगर मंदिर शब्द है, मुस्लिम उस पर उस जगह नहीं जाते थे, वो बोलते आगे क्या है कि यहाँ पे सुहाग मंदिर है या आराम मंदिर है, ठीक है मंदिर हमें नहीं जाना है। तो यानी वो जगह मुगलों की निगाह से बच सके, इसलिए नाम के आगे मंदिर लगाते थे। और यहाँ पे रिंग पे पर्दे लगाने के बाद डार्क होता था, तो अंदर से आराम से वो राजा की जो मीटिंग होती थी, राजा का जो दरबार लगता था, न्याय प्रक्रिया होती थी, यहाँ से देखती थी। और इसमें एक चीज नोट करेंगे, सब हाथ की कार्विंग है, पत्थरों में व्हाइट मार्बल में हाथ की कार्विंग की हुई है। और इसमें देखेंगे आप, ये बीच में स्टार बना हुआ है जी, ये स्टार है, और ये स्टार के चारों तरफ ये स्वस्तिक बने हुए हैं, ये स्टार है, ये स्वस्तिक है, बीच में ये स्टार है, पीछे स्वस्तिक है, हर स्टार के चारों तरफ स्वस्तिक है। यानी इस महल को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे हिंदू इस्लामिक दोनों थे। तो इसमें जो स्टार है वो इस्लामिक आर्ट का इंडिकेशन है, और जो स्वस्तिक बने हैं, जो साठिया बने हैं, वो हिंदू आर्ट का इंडिकेशन है। काफी वेल डेकोरेटेड था उस समय, समय के साथ में काफी व्हाइट वॉश किया है, टूटते गए, ये गेट भी चेंज किया, पहले सैंडलवुड के गेट होते थे। यहाँ पे पेंटिंग थी, इसमें आमेर के कारीगर पहले फूलों से, पत्तियों से, सब्जियों से नेचुरल कलर बनाते थे। आज भी आमेर के अंदर कई लोग हैं जो ये कला को बचाए हुए हैं, कला का काम कर रहे हैं, और बाहर से विदेशी से भी लोग आते हैं यहाँ पे उस आर्ट को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ के आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आमेर के अंदर टाइन डाई का काम होता है, कपड़े बनाते हैं, नेचुरल तरीके से कपड़े बनाते हैं। आज भी आमेर के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, और ये पहले राजाओं के लिए होता था। उधर उस साइड में हम लोग देखेंगे, वो मानसिंह महल है, मानसिंह महल की दीवार, वो जो है नीचे वाला शीश महल है, ऊपर वाला भी शीश महल है, इसको दीवाने खास भी बोलते हैं। खास लोगों के साथ में वहाँ पे मीटिंग होती थी, और मिर्जा राजा जेसी ने शीश महल बना था, उसके बारे में डिटेल में आपको नीचे जाके बताऊंगा। एक चीज आप यहाँ से देखेंगे, वो ऊपर वाला जो शीश महल है, उसके जो छज्जा है उसके नीचे कॉपर का पाइप लगा हुआ है, आगे तक जा रहा है,
उसके अंदर छोटे छोटे होल बना रखे हैं और उसके ऊपर रिंग है जहाँ पे खसखस के पर्दे लगे होते थे। ऐसे पाइप दूसरी तरफ भी है, यानी गर्मी के अंदर पाइप के अंदर जब पानी छोड़ते थे वो छोटे होल से खस के ऊपर टपकता था और जो हवा चलती थी वो अंदर एकदम ठंडी हवा, खसखस एक ग्रास होता है जी, सेंटेड ग्रास होता है जो सवाई माधव रणथंभौर और टाइगर सेंचुरी में काफी ग्रासेज है, लोग पानी के अंदर भी खस के तिनके डालते हैं, उससे खुशबू आती है केवड़ी की तरह उसमें। तो वहां से खस के ऊपर पानी टपकता था, गर्मी के अंदर वो पर्दे लगे होते थे, हवा पानी से खसखस के पर्दे टकरा के जब अंदर जाती थी, खस के ऊपर पानी के पानी टपकता था तो एकदम सेंटेड और एकदम फ्रेश हवा अंदर जाती, वो ठंडा भी रहता था, उसके अंदर महक भी आती थी, खस की महक। तो दोनों नीचे वाला शीश महल ऊपर वाला शीश महल में ये सिस्टम था पहले। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सुहाग छतरी, जो छतरियाँ बनी हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। सुहाग छतरी उसको क्यों बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए।